सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो है मेरे डैडी और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी नीचे। ये है खालू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पर। फाइनली हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं बीच की तरफ। ये हमारा है सेकेंड ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग मैं आपको दिखाई हूँ कि हम लोग गए कैसे, और ये ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे हम लोगों ने इन्जॉयमेंट कैसे की। हाँ हम सो लेट्स गो टू अलीबाग बीच। असद नहीं, सामने है बीच और हमारे जो रूम है, हम लोगों ने जो रूम लिया उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है। 5 to 6 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी हमें रूम मिल गया है, और ये फेस्टिव सीज़न है इसीलिए थोड़ा कॉस्टली है। बाकी अगर आप लोग ऐसे ही आओगे तो आपको 1200 तक मिल जाएगा पर डे का। ऐसे हम लोगों को 3000 पर डे पर पड़ा है। और अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है यहाँ पर कॉटेज वगैरह ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे इन लोग एडवर्टाइजमेंट लगाए रहते हैं। देखो ए बी कॉटेज ऐसा लिखा है ना वहाँ पर, और हम लोग ए बी कॉटेज में ही स्टे करें। तो वहाँ पर 3000 पर डे है और बार्गेनिंग होती है वहाँ पर। और उसके बाद अगर आप लोग फेस्टिव सीजन में नहीं आ रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिजनेबल में भी मिल जाएगा। स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को यहाँ पर देखो गोले वाले दिख जाएंगे, फिर उसके बाद पानी पूरी, सेव पूरी, वड़ा पाव, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चे लोग खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, खेलने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर नारियल पानी ये सब भी बहुत अच्छे भाव में यहाँ पर मिलता है। और जैसे आप लोग बोलते हो ना कि कहीं और स्टे करेंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे उसमें देख सकते हो फैमिली कितनी मस्त इन्जॉय कर रही है। यहाँ पर मिलता है सनग्लासेस भी, और उसके बाद हैट्स भी बहुत अच्छे अच्छे, और यहाँ पर ऑटो भी अवेलेबल है। ये है अलीबाग बीच का एंट्री वाला गेट, और यहाँ पर है लेफ्ट में और यहाँ पर है राइट में। बीच पे जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। बजने वाला है वो 25 रुपीस। दिस इज फॉर 25 रुपीस। कितना 250। यहाँ पर जेट स्की वगैरह भी अवेलेबल है, बहुत सारी जो राइड्स रहती है सब अवेलेबल है यहाँ पर। मैं आपको सबका प्राइस पूछ कर बताऊंगी कितने की क्या कैसी है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं खाने। स्टार्टिंग हुई आइसक्रीम से, और यहाँ पर है नारियल पानी, पानी यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ से लाइन से सारी शॉप्स मिलेगी। और आप लोग अगर यहाँ पर आओगे अलीबाग, तो अलीबाग का जो मेन बीच है वहीं पे ही आइएगा। अगर वर्सोली बीच अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा सब कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग फ्रैंकी रोल्स है, आइसक्रीम है, पानी पूरी है, और उसके बाद आपको फ़िश की थाली मिलेगी यहाँ पर, शॉर्मा है, जो आपको चाहिए सब आपके मन जैसा यहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग ये आंटी को बहुत देर से ढूंढ रहे थे, हम लोग पिछले साल आए थे तो इन्होंने बहुत अच्छे से सर्व किया था सब चीज़ें, बहुत टेस्टी भी था। फाइनली मिल गई आंटी। आंटी आपको कब से ढूंढ रहे थे हम लोग, कब से ढूंढ रहे थे आपको हम लोग। हाँ बैठ ले। चार देखो बाकी सब चाय दे दो, और 3 मैगी दे दो। एक मैगी, सादी मैगी किसको चाहिए? एक हाफ फ्राइड, एक हाफ फ्राइड, तीनों मसाला मैगी दे दो। असद की सादी मैगी आ चुकी है। सो फाइनली हमारी मैगी आ चुकी है जो आगे तक नहीं आई। दिस इज अवर मैगी। वाओ बीच वाली मैगी माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी मैगी और बहुत ही अच्छी चाय पीने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं अलीबाग का बीच। खाना पीना सब हो चुका है, मतलब नाश्ता वगैरह, और अब हम लोग आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा पानी जा चुका है पीछे, तो जाते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी चीज़ है, और ये सबसे बेस्ट बीच है यहाँ का, आप लोग यहीं पर आइएगा। घोड़ा गाड़ी आए सर। Love you, जिंदगी। इतने पानी के बाद फिर यहाँ पर आ गया है सूखा, फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं काफी ज्यादा दूर, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी जो भर्ती का टाइम था वो खत्म हो चुका है। अभी पूरा पानी जा चुका है पीछे, और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी है, सब कुछ है। मैं आपको सबका रेट पूछ कर बताऊंगी कैसा क्या है। तो चलिए मिलते हैं वहां पहुँच कर। वो करना रहेगा बट अब थोड़ा देर के बाद, मैं आपको ही बोलूंगी, टेंशन मत लो। जी जी
देख सकते हो आप लोग, सारी बोर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आपको यहाँ पर खेलना है वैसा आप लोग खेल सकते हो, ये दो पागलों की तरह। लेकिन वही अगर आप पैकेज में ले रहे हो, यानी कि ये कॉम्बो और 3 राइड का पैकेज ले रहे हो, तो उसके साथ 4th राइड ले रहे हो, तो आपको 1300 तक ये गिरेगा। ओके, और वो बाकी सब जो जेट स्की पे है वो सब जेट स्की का ऐसे इंडिविजुअली करने जाएंगे 300 रुपीज सिंगल पर्सन चार्ज है, 2% का 500 रुपीज चार्ज है। अदर एक्टिविटीज कौन सा भी कर लो उसमें से 250 है, वो भी आपको कॉम्बो के हिसाब से करेंगे तो 200 रुपीज के हिसाब से गिरेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बनाना राइड, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल गई, मतलब हम लोग को 1000 रुपीज में 8 लोगों के लिए उन्होंने कर दिए। तो अब जैकेट पहनने का टाइम आ गया है, पहनो जल्दी जल्दी। ये ब्लू वाली है, डैडी पहन रहे हैं, और येलो वन आई एम टेकिंग। हाँ ये अलग लगा, इधर अंदर घुसा। हाँ रोएगा तो नहीं असद, पक्का बैठेगा असद, रोएगा नहीं ना पक्का ना बनाने वाले में। सुपरमैन बनाना राइड में बैठने वाले सुपरमैन लोग, सुपरमैन। शाम का व्यू देख ही सकते हो यहाँ का, कितना जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और अभी हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर, वो फोर्ट दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं प्रॉपर जाके वहाँ पर दिखाऊंगी। अगर सनसेट से पहले मैं वहाँ पर पहुँच गई तो दिखा दूंगी, अगर नहीं पहुँच पाई क्योंकि अभी हम लोग पैरासिलिंग के लिए जा रहे हैं, और यहाँ का भी मैं व्यू दिखा देती हूँ आपको। सब लोग बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अगर पैरासिलिंग में जाएंगे तो मैं आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगी, कैसा हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर टाइम बचा तो मैं वो फोर्ट पे जाके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्या है वहाँ पर, उसे कहते हैं कोलाबा फोर्ट। तो आप लोग जाइएगा, ये भर्ती जब पूरी एंड हो जाती है तब ये फोर्ट पर जाने के लिए अलाउड रहता है पब्लिक। आप लोग देख सकते हो हम लोग कितना दूर है यहाँ से, वहाँ हम लोग खड़े थे अब यहाँ पर है। आइएगा, सही में मेरे को बहुत अच्छी प्लेस लगती है, फैमिली भी है आ सकते हैं लेके, और फ्रेंड्स के भी बहुत अच्छी है। तो डू विजिट अलीबाग है, बहुत एकदम एस्थेटिक वेदर है, ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है ड्राइंग बनाई हुई है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी पैरासिलिंग के लिए, शायद मज़ा आए या शायद डर लगे, देखते हैं। मैं आके आपको बताऊँगी मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और हम लोग का पर पर्सन का हुआ है 600, तो हम लोगों ने कंसेशन मांगा तो हम लोगों ने 1200 में हमारा दोनों का कर दिया, मेरा और मेरी सिस्टर का। सो लेट्स गो। कहाँ पर है? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर नहीं, पानी के बीच में, सब तरफ पानी पानी और सनसेट बहुत बेहतरीन, और विद माय ब्रदर। और हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पर, और हमको देखो कैसे स्विमिंग कर रहा है। यहाँ बोट शुरू हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं पैरासिलिंग के लिए। ये है ब्रदर, मतलब जो हम लोग को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाप रे बाप, सीरियसली बाप रे बाप, माइंड ब्लोइंग। फाइनली अब हम आ गए हैं दूसरी बोट में, जिससे हम जाने वाले हैं कोलाबा फोर्ट के पास। वो बोट से वापस ये बोट पे आ गए हम लोग, अब जा रहे हैं रिवर्स, और पूरा सनसेट हो गया। क्या हो गया है ना अपना, भी किधर जा रहे हैं? अलीबाग के बीच पे, गुड बॉय। हाँ बाय बाय, यस गिव मी 5, गुड बॉय। शुरू करो, वहाँ से उतरना है, चलो चलो। अरे हम लोग आए थे दिन में और रात में जा रहे हैं, तो आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक नंबर, ऐसा करना रहे तो बच्चे लोग मत करो, बड़े लोग आगे करो। हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सूरज डूब चुका है, चांद निकल चुका है, तो अभी घोड़ा घोड़ी, ये है घोड़ा, ये है गाड़ी, ये है घोड़ा। देख सकते हो एकदम जुहू चौपाटी की तरह एकदम रश है यहाँ पर, और खाने के लिए तो एक से एक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। और रात हो गई तो वीडियो कुछ खास नहीं अच्छी लग रही है, बट लेना तो पड़ेगा क्योंकि व्लॉग मुझे कंप्लीट करना है, और आप लोगों को बताना है कि किस तरह से हम लोगों ने ये ट्रिप को इन्जॉय किया। आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है, मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब हिसाब से बताऊंगी। यहाँ पर देख सकते हो जो भी आप लोगों को खाना है वो सब अवेलेबल है। ये बद्दी वाला ये नौ, और यहाँ पर देखो ये जो ये बच्चे लोग का करते नहीं क्या, वो बच्ची कितने अच्छे से कर रही है, वाह। पर
पब्लिक देखो बस यहाँ पर पब्लिक, और पानी तो बाप रे बाप, वो लाइट जल रही है ना वहाँ पर, पानी पहुँच गया। सब जन एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग बीच जाते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है फन, अब जाएंगे खाना खाने। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फूड। सिर्फ नाश्ता करके हम लोग जाएंगे और उसके बाद फ्रेशन अप होके फिर से उतरेंगे नीचे खाना खाने के लिए। आफ्टर दैट वी आर हैविंग शोरमा। बाकी लोग खा रहे हैं मिसल पाव, पानी पूरी, बट मैं और मेरे कुछ कजिन्स खा रहे हैं शोरमा। अच्छा है टेस्ट में, और प्राइस है इसका 60 रुपीज़। मैंने खाई शेवपुरी, उसके बाद यहाँ शोरमा बन रहा है, मिसल पाव असद मैगी मिसल पाव। ए ले हम एक्स्ट्रा स्पाइसी। सब हम लोगों को एक्स्ट्रा स्पाइसी देना। एंजॉयिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खाने जा रहे हैं पानी पूरी। कितना रश है आप लोग देख ही सकते हो। हमने ये ट्राई किया है, मेरे को लगा था ये अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वाकई में टेस्ट अच्छा था। हाँ हम खाने आए हैं पानी पूरी, और हम एक प्लेट में दो। हाँ नहीं किए स्मोकी बिस्किट फिफ्थ। अच्छा तो इसमें सब फ्लेवर है सब। ओके दो फिर इसमें से एक फ्लेवर वाला, कोई भी दो। कौन सा चाहिए बोल। ओरियो, इसको एक ओरियो दो पहले स्टार्टिंग में। क्या पता उन लोग का स्टाइल होगा अलग। ये है स्मोक और ये है स्मोकी बिस्किट। चलो फटाफट खाओ बाइट करके। हाँ चबा आकर आकर अगर। हाँ बराबर चाव शेक कर ले। सबको एक दे ना, सबको एक दे। आ खिला आकर। ओहो हो 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 बेटा रिंग। सेकेंड फ्लेवर जो बॉर्बन लिए है। हम लोगों ने सोचा कि लेके सीधा होटल पर ही जाते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया है, और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह लेना है। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ घर का, मतलब होटल का दिखाती हूँ आपको। हमने ले ली यहाँ पर दो भाजी पार्सल, और अब लेंगे पिज़्ज़ा। ओके ठीक है ठीक है ठीक। तो हम लोग लेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो ख़त्म हो गया है पूरा खाना। दिखाना ही भूल गए। तो इसी तरह से हमारा आज का व्लॉग होता है कंप्लीट, आज का डे होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए बाय। तरह से हम लोगों ने खाया, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सोने। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। अच्छे से बोलो। गुड नाइट। तो इसी तरह से हमारा ब्लॉग खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। अब गुड नाइट। तो अब कब मिलेंगे। कल नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय।